स्वच्छ भारत मिशन के तहत परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, समन्वयक बच्चा सिंह सहित संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान मौजूद रहे। बैठक में 2016-2017 में ग्राम पंचायतों के लिए शासन द्वारा दिए जाने वाले परफॉर्मेंस ग्रांट के संबंध में चर्चा की गई। गौरतलब है कि गोरखपुर जनपद में 36 ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए चयनित किया गया है, जिसके तहत गांव में ही पंचायत घर, शौचालय, साफ सफाई, सड़क नाली सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। फिलहाल अभी 10 ग्राम पंचायतों के लिए ही शासन ने धन अवमुक्त किया है, जिसका DPR बनकर तैयार है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने निर्देश दिया है कि गांव के विकास के लिए शासन द्वारा जारी और परफॉर्मेंस ग्रांट की सुचिता के साथ पालन कराते हुए उसे गाँव के विकास में खर्च किया जाए। इसके लिए एक टेंडर समिति भी गठित की गई, जिससे गाँव का समुचित विकास किया जा सके। जनवरी के बाद वो मिल जाएगा, अलग उस पर नगर विकास से मिलेगा, उसी दिशा से नहीं मिला नगर विकास में, हम उसको करवा देंगे, ये भी बता स्वस्थ करा लूँगा, परियोजना बना के रेडी रख लें 1 जनवरी के बाद उसको कर लूँगा। वो राज्य स्तरीय जिला स्तरीय कमेटी ने स्वीकृति प्राप्त करके राज्य स्तरीय कमेटी के पास गई थी, जहाँ पर कि लास्ट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उसको स्वीकृत कर दिया गया। उसके आधार पर सर 23 को वहाँ से 1000 ग्राम पंचायतों के अलग अलग जिले जारी हुआ, इसमें क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं, उसमें से कुछ कुछ कंडीशन है सर, उसी पर सर 15 कंडीशन डाला सर। सर50% किसी के पास 2 करोड़, किसी के पास 4 करोड़, किसी के पास 10 करोड़ ऐसे आए हैं। समय भी थोड़ा जल्दी करा के स्पीड करा है, गुणवत्ता और समय का अंतर ये दोनों हमारे लिए काफी चुनौती है, कभी भी चुनाव उनाव आ सकता है, इन लोगों में थोड़ा जुड़े हुए हैं, देखिए अब गवर्नमेंट के पास हम लोग है साथ है ना, उसको तो वो लोग है, ताकि देखिए बनने के बाद वो लोग बहुत लोग आएंगे बाहर से है ना, कहीं कर्नाटक से आएंगे, कहीं मध्य प्रदेश आएंगे, बिहार से आके देखेंगे आपको गाँव में कैसे चलता है, एक तरफ एक नया चीज़ है तो चुनौती भी है, इसलिए तो शुरुआत में इससे थोड़ा समय लग रहा है बट हो जाएगा, पर समय का अंदर कराइए ये, ताकि इसलिए आपको पहले बार आपको ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी में इतने बड़ा वो दी गई है फंड, और फंड का सही उपयोग और जनहित में उपयोग, ताकि जो जनता ने आपने जो प्रोजेक्ट इतने रखा है साथ ने पूरा मंजूरी इसलिए किया है ताकि आप लोग जनता से भी राय लिए होंगे, उसी हिसाब से बनाए होंगे, सरकार भी चाहती है जो पंचायत चुनाव से पहले कंप्लीट हो जाए।